हाय फ्रेंड्स मैं रितु नागपाल देखे आपके लिए है एक और हेल्प लेकर आई हूँ हेल्प कर लीजिए छोटी सी वीडियो है फ्रंट साइड में जेंट्स स्वेटर के गले की कटिंग तो उनके लिए मैं बनाने के लिए किस तरीके से किया वो तो मैंने इसे अलग से आपको स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट के साथ बता दिया है एक वीडियो में अब जेंट स्वेटर के गले की यानी कि जो एज वाले होते हैं उनको स्वेटर का गला ऊपर चाहिए होता है थोड़ा टाइट चाहिए होता है ढीला उनको नहीं चाहिए होता है नीचे नहीं चाहिए होता है तो उनको किस तरीके से आप गले की कटिंग करेंगे फंदों के साथ वो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम अब देखिए किसी भी उसमें जेंट्स स्वेटर में आप गले की कटिंग जनरली फंदों के हिसाब से होती है वैसे तो पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि जनरली जो है कैसे आप कटिंग उसमें करेंगे अब देखिए यहाँ पे मैंने एक जो जेंट्स का स्वेटर है बना रही हूँ ये मैं काफी एज वाले के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मैं आम होल की कटिंग करने के बाद क्योंकि गोल गला बना रही हूँ वो बताने जा रही हूँ आपको आम होल की कटिंग की है पांच चार दो एक करके 96 सिक्स स्टिचेस थे यहाँ पे और अब मैं इसमें जो है गले की कटिंग करने जा रही हूँ साढ़े चार इंच बनाने के बाद क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा ऊपर चाहिए उनको अगर आपको थोड़ा नीचे चाहिए होगा गले की जो है कटिंग या गला तो आप इसमें तीन इंच के बाद भी साढ़े तीन इंच के बाद भी कर सकते हैं अब देखिएगा किस तरीके से करूँगी एटी टू स्टिचेस है एटी टू स्टिचेज में से पहले मैं यहाँ पर जो है जो तेईस फंदे हमने शोल्डर पर रखने हैं वो प्लस टेन स्टिचेस जो हमने बाद में घटाने हैं वो तो यानी कि 33 थ्री स्टिचेज में जिस तरीके से डिजाइन डल रहा होगा वैसे ही इसमें जो है बनाती हुई जाऊंगी ये देखेगा ये 33 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं अब यहां पे सेंटर के 16 स्टिचेस जो है मैं नॉर्मल बंद करती हुई जाऊंगी तो देखेंगे ये बनाया आपने एक फिर ये बनाया और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया एक फिर ये बनाया दो ये बनाया तीन ऐसे आपने सिक्सटीन स्टिचेस बंद करने हैं चार ये देखिएगा सेंटर के मैंने यहाँ पे ऐसे सिक्सटीन स्टिचेस जो है बंद कर लिए हैं अब जैसे डिज़ाइन था वो आपने उस तरीके से उसे बनाते हुए ये जाना है उल्टी लाइन करने के बाद फिर से यहाँ पे हम जो है पांच फंदे बंद करेंगे अब देखिए यहाँ पे मैं बता दू जब आप उल्टी लाइन करेंगे तो आपने जो लास्ट फंदा है वो बिना बुने हुए ऐसे उतारना है वो हम क्यों उतारते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है स्मूथ एजिंग आ जाए जब हम हाँ बंद कर, करेंगे उसके लिए अब आपने यहां से पांच फंदे फिर से बंद करने हैं तो कैसे करने देखिए ये आपने फंदा उतारा है इसमें से आपने इस वाले फंदे को निकाल लेना है तो आपने एक फंदा बंद कर लिया एक अब ये हो गया आपका दो फिर तीन चार और ये आपका हो गया पाँच अब फिर अब देखिए फिर से हम सीधी लाइन करेंगे फिर उल्टी लाइन करेंगे उसके बाद हम तीन फंदे बंद करेंगे तो फिलहाल जिस तरीके से डिज़ाइन है आपने उसी तरीके से इसे बनाना है ये देखेंगे आप डिज़ाइन आपका एक दो तो, तीन चार उल्टे हैं इसमें दो सीधे हैं अगेन चार उल्टे हैं इस तरीके से उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे ये देखिए उल्टी लाइन आपकी इस तरीके से उल्टी जाएगी अब फिर से हम वहां से तीन फंदे बंद करेंगे ये देखिए ये उतारा आपने पलट लिया यहां से फिर से तीन फंदे करने हैं तो एक फिर ये दो फिर ये तीन अब जैसे डिजाइन है वैसे फिर उल्टी लाइन एंड देन उसके बाद जो है आपने इसमें अभी देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे अब हमने जो है दो फंदे बंद करने हैं ये एक हो गया आपका और ये दो तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है पाँच तीन दो यानी कि दस फंदे यहाँ बंद किए सेंटर में हमने सोलह किए थे यहाँ भी हम उसी तरीके से बंद करेंगे पाँच तीन दो तो फिलहाल अब हम इसे जो है जैसे दिख रहा है उस तरीके से इसे शोल्डर तक बनाते हुए जो है जाएंगे ये देखेंगे आप ये देखिए ये है आपका जिस तरीके से आपका डिजाइन है उसी तरीके से आप इसे बनाते हुए फिलहाल शोल्डर तक जाएंगे अब अब देखिए इस तरफ की कटिंग होगी यहाँ की कटिंग में भी मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद आपने शोल्डर तक इसे बनाते हुए जाना है तो यहाँ पे आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड आपने ऐसे लिया और इसके बाद जो ये दिख रहा है आपको देखेंगे ये ये हम थोड़ा सा ऐसे लेते हैं वो इसलिए लेती हूँ मैं क्योंकि ताकि यहाँ पे जो है एक आपस में स्मूथ जो है गले की कटिंग आ जाए तो ये दोनों आपने ये एक्स्ट्रा फंदा है तो पहले तो हम इन दोनों को इस तरीके से दो का एक करेंगे धागा लेकर देखेंगे ये लिया आपने दो का एक अब हमने यहाँ से जो है पांच फंदे एक एक करके बंद करने हैं जिस तरीके से वहाँ पे किया है उसी तरीके से तो आपने ये फंदा बनाना है और बैक से ये फंदा इस पर उतार देना है एक हो गया फिर आप इसे ऐसे करेंगे ये बनाया ये उतारा इसके ऊपर से दो फिर बनाया फिर उतारा तीन फिर बनाया फिर उतारा चार और फिर बनाया ऐसे पांच ये देखिएगा अब ये पांच फंदे हमने बंद कर लिए ऐसे इसके बाद जैसा आपका डिजाइन होगा आपने वैसे ही बनाना है अगली बार में हम तीन करेंगे और उसकी अगली बार में दो ये देखिएगा जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो जो लास्ट वाला फंदा है वो आपने बिना बुने में ऐसे उतारना है पलट के यहाँ से अब हम तीन फंदे बंद करेंगे एक फिर आपने बनाया दो फिर आपने बनाया तीन ये देखिए अब वही जो जैसा दिख रहा है सीधी लाइन करेंगे फिर दो फंदे बंद ये देखिएगा ये लास्ट फंदा है इसे हम वैसे उतारेंगे और अब हमने दो फंदे करने हैं पांच तीन आठ और तो दस ये देखिए एक उतारा किया फिर ये बनाया अब हमने शोल्डर तक जितना भी रहता होगा ये नौ इंच मैंने बैक साइड इसकी बनाई है तो जितनी भी रहती होगी नौ इंच तक हमने इसे नॉर्मल सीधा सीधा बनाते हुए जाना है नीचे से यहाँ से नौ इंच नापेंगे आप तो देखेंगे ये आप इस तरीके से बनाएंगे अभी दिखा देती हूँ सीधे मैं आपको ये देखिएगा ये आपकी होगी गले की इसकी कटिंग ये देखिए इस तरीके से हो गई है क्योंकि जिनके लिए बना रही हूं उन्हें टाइट गला चाहिए होता है वो ढीला गला उनको पसंद नहीं है वो छोटा गला चाहते हैं तो इसलिए मैं इसकी कटिंग यहां पे कर रही हूँ अदरवाइज थोड़ा सा नीचे कर लेती अब यहां पे हमने जो है तेईस तेईस फंदे रह गए हैं अब ये हमें शोल्डर तक बनाते हुए इसे जाना है तो इस तरीके से आप जो है जेंट्स स्वेटर में गोल गले की जो फ्रंट साइड की कटिंग होती है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं चले फिर बनाइए और शेयर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू